जाहिद 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 रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, रुको। मोहसिन, तुम्हें इस लड़की को तलाक देनी होगी अभी और इसी वक्त। अम्मी जान क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, फैसला कर लो, इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। दो दिन का वक्त दे रहा हूं तुझे मौसी, दो दिन बाद तुझे अपना फैसला सुना के चला जाऊंगा। रजा, सुहा की वजह से परेशान है। आपको मालूम है रात को आपने सुहा को ख्वाब में परेशान क्यों देखा? क्योंकि आप उसे बेहद मिस कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मैं उसे बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। आपको क्या हो गया? रिलैक्स हो जाएं, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? ठीक है, औलाद से नाराजगी चलती रहती है, लेकिन आप तो अपनी औलाद से दुश्मनी और जिद पर उतर आए। चाहते क्या हैं आप? आपने सुहा के अकाउंट्स फ्रीज किए, घर छोड़कर चली गई वो, लेकिन आपका गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। औलाद से नफरत करके आपको अजीत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा रजा। मेरा रवैया, उसका अकाउंट फ्रीज करना, उसका मकसद महज उसे सबक देना है, क्योंकि वो नहीं जानती कि जिंदगी का तूफान कितना सालिम होता है। मगर फिर भी मेरे दिल में एक मुफ्फम सी उम्मीद थी कि वो मेरी तरफ लौट आएगी, अपने किए पे शर्मिंदा होगी, मुझसे माफी मांगेगी। मगर उसने तो पूछा था। आप ही की बेटी, आप ही की तरह जिद्दी और अनापरस्त थी। आपने भी तो ज्यादती की ना मोहसिन वाले मामले पर, थोड़ी सी लचक दिखा देते आप, लेकिन नहीं, आपने भी अपनी अना को तरजीह दी उसकी खुशी पर। देखिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त है आप उसे माफ कर दें, सुलह कर दें, कोई हर्ज नहीं। जब से वो इस घर से गई है, वो मेरी जिंदगी से निकल गई, मेरे दिल से निकल गई। रजा प्लीज, बस अब इस मामले में हम कोई और बात नहीं कर रहे। That's it. सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से फेस करना पड़ा। लिसन, मैं
से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? मैं तो कह रही हूँ ना, ये सब कुछ मेरा कसूर है। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम मेरा है जो बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरी सरकत से मेरी बहन का घर जुड़ सकता। मेरी गलती की सजा आज मेरी बहन भुगत रही है। What do you mean, गलती? मुझसे निकाह करना तुम्हारे लिए गलती थी? गलती है ये तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था, ये हम दोनों का डिसीजन था। हम दोनों ने डिसाइड करके शादी की है। I'm still here with you. मैं भी तो तुम्हारे सामने सब कुछ फेस कर रही हूँ ना। तुम एटलीस्ट खुद को मुझसे इस तरह दूर मत करो। Can you please stop this? देख रही हो मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, तो ये फजूल और बचकाना बातें करके मुझे और परेशान क्यों कर रही हो? खाना लाइए, थोड़ा सा खाना खा लें। सब रिश्तों ने मेरा तबाशा बना के रख दिया, मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया सब। नेक और फरमा बरदार औलाद होने का ये सिला मिला मुझे, माँ के कहे पे चलने का, माँ की बात मानने का। वाह। और भाई, हमारी माँ का लाडला बेटा, क्या किया उसने? उसे जरा भी अपनी बहन का ख्याल नहीं आया? बतूल सही रहे, अपनी मर्जी से शादी कर ली, औलाद हो गई, शौहर मिल गया, उसने वो हर खुशी पा ली जो एक औरत को चाहिए होती है। और मैं, ऐसा नहीं कि मैं मरे जा रही, लेकिन एक दफा नहीं, दो दफा एक औरत का अपना आप टूटना कितना मुश्किल होता है, उसको संभालना कितनी आसानी से भूल के चले गए कि अपनी बहन को अपने पास रखना। सबने तमाशा बना दिया। इस भाई को जरा भी परवाह नहीं हुई बहन की कि कैसी जिंदगी गुजारेगी। हमारी अम्मा ने हमें हमेशा इस खुशफहमी में रखा कि हमारा इकलौता भाई हमें हर खुशी देगा, दुनिया की सारी खुशियां हमारे पाँव में लाके ढेर कर देगा। ये ढेर की उसने, मेरी जिंदगी को ढेर बना के उसने फेंक दिया। ऐसे नहीं होते भाई, ऐसे नहीं होते भाई। पता नहीं इस घर में तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम भी बतूल की तरह अपनी मर्जी की शादी करो, वरना मेरी तरह बैठी रह जाओगी। हाँ सच, वरना इन माँ और बेटे के सहारे पे रही ना, तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा जैसे मेरे साथ। मैं अपने साथ क्या करूँगी मुझे नहीं पता, मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो है ना लड़की, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे नहीं मैं छोड़ूंगी। तमाशा बना के रख दिया मेरी जिंदगी का, अब और क्या खाना चाहते हैं? जाओ लेके जाओ नवासमात, लेके जाओ उनके लिए, जाओ जाओ लेके जाओ उनके लिए, खा लेंगे वो खाना। तो जहारा को तलाक देने गया था, ये अपना सा मुंह लेके आके क्यों खड़ा हो गया? गया तो इसी सिलसिले में था, लेकिन तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अरे शादी को तुम दोनों ने क्या गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है? अभी कल तुम्हारा निकाह हुआ है और आज तुम तलाक की बातें कर रहे हो। हौला वाला कुव्वत। अरे खानदान वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? सिद्रा के अब्बा,
मुझे किसी खानदान वाले की कोई परवाह नहीं है, जर्रा बराबर परवाह नहीं है, समझ आई? और आप तो इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है, बिल्कुल चुप खड़े रहें। हाँ भाई बोल बेटा, क्या बात? मोहसिन को मैंने 2 दिन का वक्त दे दिया और अगर 2 दिनों में उसने लड़की को तलाक ना दी तो मामानी घर छोड़कर चली जाएंगी। ये बात, वो घर छोड़कर चली जाए या जो मर्जी आए करे, मैं अब अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में हरगिज नहीं दूंगा। देखिए बनी बनाई बात बिगाड़ रही है। चुप कर जा बेटा, तू भी चुप कर जा। और ये समझ, बराबर में कोई खड़ा हुआ ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, समझ पिलर खड़ा हुआ। तू बस वो कर जो मैं कह रही हूँ, बस करो जो तुम दोनों की मर्जी आती है। जो गम मेरे इतने मेरे दिल मेरा भर गया, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। चाइनीज राइस बना है, मैक्सिकन सूप है, शामी कबाब है, चूमिंग है और ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है बिरयानी। क्या बाबा, देसी? मुझे आज देसी नहीं खाना था, इटालियन खाने का मन था। छुट्टी, चलो फिर कहीं चलते हैं इटालियन रेस्टोरेंट। बाबा मजाक कर रही हूँ, बैठे 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 की बात है। हाँ हाँ, आई लव बिरयानी, आए बैठे ना। तो तुम तंग बहुत करती हो मुझे। नहीं नहीं, ये लो तुम पहले, ये लो मुर्गी की एक टांग। क्यों? खाओ खाओ, बहुत मजे की। थैंक यू सो मच बाबा। बताओ मुझे टेस्ट कैसा है? अमेजिंग एज एवर। ठीक है, बस फिर कुक की छुट्टी कर देते।
हेलो, कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतने मैसेजेस किए, उनका भी जवाब नहीं दिया आपने। क्या जवाब दूं तुम्हारे मैसेजेस का? आप मुझसे कब तक इस तरह उखड़े उखड़े रहेंगे? मोहसिन के किए की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझसे इस तरह मत बात करें प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर किस लहजे में बात करूं तुमसे? मेरी बहन की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है और तुम ये मुझसे तवक्को रखती हो कि मैं तुम्हें खुश रखूं? फोन करके तुमसे मोहब्बत का इजहार करता फिरूं? नहीं जहारा, नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। गुस्से में घर तो छोड़ दिया है, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ इस कदर मसाइल होंगे। पापा भी मुझसे नाराज होंगे, मुझे उनको एक कॉल तो करनी चाहिए। तुम मुझे बाबा कहने का हक खो चुकी हो, आइंदा मुझे फोन ना करना, मेरे लिए मर चुकी हो तुम। जाहिद, ए बच्चे ये तो बता, मोहसिन को दो दिन का नोटिस दिया था, कोई टेलीफोन वगैरह आया, कोई बात हुई? ओ, खुर्शीद भाभी का फोन आया था, इस मसले पर तफसील से बात हुई है उनसे और तय ये पाया है कि अगले हफ्ते में किसी वक्त जाके तो हम जहारा को रुख्सत करवा के अपने घर ले आएंगे। क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो पूछ रहा बच्चा, क्या कह रहे हैं आप ये? हैं?
क्या कह रहे हैं? देखो। अरे क्या देखो, मुझसे पूछे बगैर आप ये बात करके कैसे आए? कैसे? देखो, मोहसिन अपने किए पे बहुत पशिमान है, और खुर्शीद भाभी जो है वो भी बहुत माफिया मांग रही थी, और साथ साथ ये कह रही थी कि इस मामले को ठंडे दिलो दिमाग से हल करने की जरूरत है। देखो, जो मोहसिन ने किया उसमें यहारा का क्या कसूर है? और वैसे भी मोहसिन अब शादीशुदा है, और अगर वो अपनी बीवी को तलाक देकर रिश्ता भी लेकर आता है ना मेरे पास, तो मैं नहीं मानूंगा। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, रिश्ता उसका खुद बहुत मैं ढूंढ लूंगा। बस कर दें सिद्रा के अब्बा, खुद ढूंढ लूंगा, खुद तलाश कर लूंगा, खूब अच्छे से पता मुझे क्या तलाश कर लेंगे। अगर आपको अपनी बेटी की जरा भी फिक्र होती ना, तो इस तरह मेरे ही सामने लोगों की तरफदारी ना कर रहे होते। बस कर दें। बस कर दो सफिया बेगम, ये मामला जो है इसको सुलझाने की जरूरत है, मजीद उलझाने की नहीं। मोहसिन ने जो करना था ना कर लिया। जहांआरा इस घर की बहू है और इज्जत है वो इस घर की, उसे हर हाल में रुखसत होकर इसी घर में आना है, ये मेरा हुक्म है। बस कर दें फिर, मेरा फैसला भी सुन लें। जिस आदमी ने मेरी बेटी का घर तबाह किया, उसकी बहन को मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनाने वाली। और सुन ले तू जाहिद, अभी जा और जहांआरा को तलाक दे। क्या क्या बात कर रही हो तुम, होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश आवाज में बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जाहिद तू भी सुन ले, अगर तुझे अपनी बहन की जरा सी भी परवाह तो अभी के अभी जा और जहांआरा को तलाक दे। क्या कमी नहीं है लड़कियों की मेरे बच्चे के लिए? बहुत सी हैं। सफिया बेगम बस कर दे, सफिया बेगम कह दिया तो कह दिया, यही होके रहेगा, बस बस। कोई तो कल से आदमी काम ले लेता है। बात सुनो, तुम्हारी माँ जो है सब जज्बात में है, जो मुंह में आ रहे बोले जा रहे हैं। अरे ये मसले इस तरह हल नहीं किए जाते, ठंडे दिमाग से सोच कर कदम उठाना होता है। ये सब क्या है यार, आजकल कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या हुआ? ये तीसरी दफा गलत रिपोर्ट बनाई है तुमने। वो तो शुक्र अदा करो बॉस को ये बात पता नहीं चली, अगर बॉस को ये बात पता चल जाती तो तुम अपनी अच्छी खासी जॉब से हाथ गवा बैठता। सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है मेरे दोस्त, यहाँ सॉरी वॉरी से काम नहीं चलता। और इसी तरह के ब्लेंडर्स अगर तुम दोबारा दोहराते रहे ना, तो यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी तुम अपनी घरेलू परेशानियाँ घर छोड़ कर आया करो यार, इसी तरह की गलतियों पर गलतियाँ करते रहोगे तो तुम अपनी अच्छी खासी जॉब से हाथ धो बैठोगे। आई लुक इट। नाजो, देखो इस वक्त कौन आ गया है, जाओ देखो जरा और पूछ के दरवाजा खोलना। अम्मी, फूफा से बात हुई है आपकी कोई? नहीं, सफिया से तो बात नहीं हुई, पर तुम्हारे फूफा से हुई है। वो कह रहे हैं कुछ दिन लगेंगे सफिया को समझाने बुझाने में, फिर रुखसती करवाएंगे जहांआरा की। मुझे तो नहीं लगता फूफा इतनी आसानी से मानने वाली है। अरे कैसे नहीं मानेंगी, शादी हुई है, निकाह हुआ है, कोई मजाक नहीं। सिर्फ मंगनी होती तो मैं खुद तोड़ देती, पर यह बंधन इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। सफिया को रुखसती करवानी पड़ेगी। तनिया आप ही की भी बात हुई है जाहिद भाई से? आप ही, आपकी बात हुई है जाहिद भाई से? वो तो मुझे मुसलसल इग्नोर कर, और अम्मी को पता नहीं किस बात की खुशफहमी है कि वो लोग हमें माफ कर देंगे। अच्छा तुम रो रो के ना मेरा दिल खराब ना करो, मैंने कहा ना मामला सुलझ जाएगा, सुलझ जाएगा। पता है मुझे क्या लगता है कि हमें ना मोहसिन भाई को साथ लेके जाना चाहिए उनके घर, ताकि वो ही मना ले उनको। है वो आप ही, आपके लिए लेटर आया। क्या है? तलाकनामा? जहांआरा, आप ही? जहांआरा मेरी बात सुनो, जहांआरा, जहांआरा दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलो जहारा। आपी, बात तो सुनो। जहारा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। आपी, बात तो सुनो आके। अरे जहारा दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। आपी, आपी, जहारा दरवाजा खोलो। आपी दरवाजा खोलो, बात तो सुनो। आपी दरवाजा खोलो जहारा। क्यों फोन किया तुमने मुझे? मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ चुका हूँ। क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया ये सब करते हुए? रहम आया था ना तुम पे, इसलिए तो तुमसे शादी की थी, वरना इस उम्र में तुम्हें कौन पूछता भला। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं ये रिश्ता निभा लेता और तुम्हारा भाई हमारे साथ धोखा ना करता। तुमने ये सब मुझ पे तरस खा के रहम खा के किया था। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सब क्या था? अरे वो सब तो मैं सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए कहता था। सुन लिया तुमने? और आइंदा मुझे फोन मत करना, नजरें बदलने का काम सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं हमें भी आता है। जाहिद, जाहिद नहीं, प्लीज मैं मर जाऊंगी। जाहिद प्लीज, जाहिद, जाहिद। जिस भाई को अपनी बहन का ख्याल ना हो, ऐसी बहन को मर जाना ही चाहिए। आपी, फिर जा रही है ये? अरे कहाँ जा रही है आपी? जहारा, आज तो मैं तुझे इस घर से निकाल फिर आऊंगी। आप बात करके क्या कर रही हो? मेरी जिंदगी और मान ले कि तूने छोड़े जहारा, छोड़े खुशियां, छोड़े घर के रखती मेरी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। क्या कर रही हो? पागल हो गई? क्या कर रही हूँ मैं मार दूंगी इसको। क्या मिला अम्मी, क्या मिला? सिर्फ मोहसिन ना, इसने तो मेरी खुशियां बर्बाद करके रख दी। मेरी जिंदगी, जिंदगी छोड़ी मुझे, बात कर दी। निकल यहाँ से, निकल आज तुम इसे नहीं छोड़ूंगी। निकल, निकल बाहर। क्या तमाशा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तमाशा लगा के रखा हूँ? तुम्हारी इस चुड़ैल की वजह से आज मुझे तलाकनामा मिला है। खुश हो गए तुम? मिल गई तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ? मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इस चुड़ैल को। जहारा, होश करो, ये मेरी बीवी है, अगर इसकी इज्जत नहीं कर सकते तो इसे अभी लेके यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं मोहसिन, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं,
ये इस वक्त अपने होश में नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया। चलो जा रहे नीचे, चलो मैं कह रही हूँ। तो जाए, मेरी बात तो सुन लेना। क्या सुन, बात क्यों नहीं सुन रही मेरी क्या बात? बात है, बोल क्या बात। क्या जरूरत है आपको इतनी जल्दी तलाक भिजवाने की, थोड़ा सब्र कर लेती, रुक जाती। क्या मकसद है तेरा इतना सब कुछ हो जाने के बाद जहारा को ब्याह के घर ले आती है? मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको घर ले आती। क्या कह रही है तू? अम्मी आप और भाई मोहसिन पे दबाव डाल सकते थे ना, क्या पता वो सुहा को तलाक देने पे मजबूर हो जाता। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल वागल तो नहीं होगी तू? पागल नहीं हुई ना तो हो जरूर जाऊंगी पागल, कि मेरी आपने मोहसिन से शादी ना करवाई। आप नहीं जानती मैंने दिन रात उससे शादी करने के लिए खुदा से दुआएं मांगी। अम्मा मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। आप माँ है ना मेरी, आप अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोच सकती हैं, आप सब ठीक कर सकती हैं। आप मुझे बर्बाद नहीं होने देंगी। तुम्हें खराब हो गया, बेशर्म बेगैरत लड़की, माँ के सामने अपनी शादी की तर-तर बातें कर रही। तू क्या समझती इतना सब कुछ हो जाने पे वो सुहा को तलाक देके तेरे पैरों में आके बैठ जाएगा? कभी भी नहीं। कुछ भी कर ले वो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करवा ले उससे। मेरी उससे शादी करवा दे अम्मा, मैं हाथ जोड़ के मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अम्मा मैं नहीं रह सकती। देख सितरा, मैं तुझे कह रही, इंसान बन, होश के नाखुल। तेरे भाई ने तेरी खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर दी और तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तुझे जब समझ आएगी, जब तुझे धक्का पड़ेगा, जब तुझे धुतकार मिलेगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं नाजिया से कहूंगी, वो मेरे रहने का बंदोबस्त कर देगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सोहा तुम मेरी बीवी हो, तुम नाजिया की नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें ख्याल आ गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और जो पिछले दो दिनों से अजनबियों की तरह तुम नीचे हो, मैं यहाँ ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, वो क्या था? तुम्हें अंदाजा है मैं किस टेंशन से, किस अजियत से गुजर रहा हूँ, कितना परेशान हूँ। और इस अजियत से तुम अकेले गुजर रहे हो, मैं भी तो उसी अजियत से गुजर रही हूँ, बल्कि तुमसे ज्यादा अजियत में हूँ। मैं अपना घर, अपना सब कुछ, अपने बाबा सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, और तुम? अच्छा प्लीज प्लीज ओके, बस रोना बंद करो। यहाँ तुमने अपना रो रो के बुरा हाल किया हुआ है, वहाँ आप ही का पूरे घर का माहौल खराब। मैं क्या करूँ, तुम्हारे आंसू पोंछूं, उन्हें तसल्ली दूं, क्या करूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करूँ, मुझे छोड़ दो, अब इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहूंगी। मेरे यहाँ से जाने से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे घर वालों के भी। तुम्हें छोड़ देने से कोई मसला हल नहीं होगा सोहा, और मैं तुम्हें छोड़ दूं ऐसा कभी नहीं होगा, ये बात अपने जहन से निकालो। अच्छा प्लीज प्लीज काम डाउन, रिलैक्स, मेरी बात सुनो गौर से। तुम्हें यहाँ से जाना होगा ठीक है, लेकिन चंद दिनों के लिए। मैंने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, जब तक यहाँ चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाती मैं नहीं चाहता तुम यहाँ। सोहा वक्त सबसे बड़ा मरहम है, जैसे ही मामला ठंडा होगा तुम वापस हमेशा हमेशा के लिए आ जाओ, लेकिन तब तक तुम वही रहो। ओके, आर यू गेटिंग मी? Yes, I'm getting you. I'm totally getting you. मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि गलती तो मेरी है, मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, और तुम तो उस लड़की से निकाह करने बैठ गए थे ना तुम शादी करने, और मुझे पता है तुम अब भी मुझे यहाँ से भेज कर तुम यही करोगे, तुम उसको बीवी बना कर ले आओगे। सोहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, यू हैव टू बिलीव मी। मैं मानता हूँ मुझसे गलती होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया, तुमने यहाँ आकर मुझे एक और मौका दिया, और मैं इस मौके को दोबारा नहीं गवाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर नहीं कर रहा हूँ,
बस चंद दिनों की बात है। सुहा, तुम्हारे यहां होते हुए मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। डिसीजन? क्या डिसीजन? क्या डिसीजन है ना तुम्हें? टेल मी, क्या डिसीजन? मोहसिन भाई, आपको अम्मी बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में। Please.